अभय जी आपसे समझना चाहती हूँ सर, ये जिस तरीके के पॉलिटिकल रिएक्शंस हम देख रहे हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने देखा, अच्छा आरजेडी की तरफ से मनोज झा को हमने देखा, इसके अलावा संजय राउत जो हैं वो भी पहुंचे थे संजय सिंह के घर पर, उनके परिवार से मिल रहे थे, कांग्रेस उस रूप में खुलकर समर्थन में संजय सिंह की आती हुई नजर नहीं आ रही, क्यों? देखिए कांग्रेस में कल रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था इनके पक्ष में और कांग्रेस की तरफ से वक्तव्य तो आए हैं इनके समर्थन में। रविंद्र सिंह लवली का भी बयान आया, अरविंदर सिंह लवली का भी बयान आया है। तो कांग्रेस, अब ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो अजय माकन के जमाने की कांग्रेस थी, जो कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टरबाजी करती थी इस सवाल के ऊपर। तो अब कांग्रेस ने अपनी नीति को बदला है और उसी हिसाब से कांग्रेस के स्थानीय नेता भी आचरण कर रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने, मैंने खुद सुनी थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा था कि हमने दो विकेट गिरा दिए हैं, हमने दो विकेट गिरा दिए हैं, तीसरा विकेट गिरने वाला है, और उस वक्त उनका इशारा था अरविंद केजरीवाल की तरफ। तो साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ये है कि भाई इस पार्टी को चुनाव में तुम हरा नहीं सकते। आप आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े आलोचक से बात कीजिए, इतनी राजनीतिक समझ सभी में होती है कि भाई कि अगले विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, वो अभी से कहेंगे कि आम आदमी पार्टी जीतेगी। आप सीटें थोड़ी कम ज्यादा, वो तो अलग बात है, वो हरा नहीं सकते। आप तो सोचते हैं कि हम एलजी के जरिए, आप देखिए जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं उन्होंने अदालत में क्या तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आबकारी पॉलिसी थी, इस आबकारी नीति को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अप्रूव किया, कैबिनेट ने अप्रूव किया और एलजी ने भी इसको अप्रूव किया है। ये सबके द्वारा अप्रूव्ड है, ऐसी बात नहीं है किसी ने इसको अप्रूव न किया हो, मनीष सिसोदिया ने अपनी मर्जी से कर दिया हो। मनीष सिसोदिया को खुद ईडी कहती है कि उनको व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं हुआ है उनको, फिर भी उनको जमानत नहीं हो रही। लेकिन ये भी हकीकत है ना कि अभी तक जितनी अदालतों में वो गए, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, निचली अदालत में तो जो कानून बने हुए हैं पीएमएलए, ये सब पॉलिटिकल उसको लेकर है, एंगल को लेकर है इस पूरे मामले में। ऐसे में क्या लगता है, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा, और इस मुद्दे पर पहले जब तक इंडिया गठबंधन नहीं बना था तब तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपना अपना राग अलग तरीके से अलापती हुई। अब इंडिया गठबंधन बनने के बाद आपको लगता है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सब साथ आएंगे, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को समर्थन मिलेगा? नहीं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते को समझना थोड़ा सा कठिन है। आप देखेंगे 2013 में आम आदमी पार्टी को कंधे पे बिठा के कांग्रेस सत्ता की कुर्सी पे बिठाती है, सत्ता की कुर्सी बिठाने के बाद फिर उसको हटाने की मशक्कत में जुड़ जाती है। जब विधानसभा चुनाव आता है तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए अपने आप को उस तरीके से चुनाव में नहीं उतारती जिससे भाजपा ना आने पाए। अब सरकार बनने के बाद फिर कांग्रेस की तरफ से शराब घोटाला जैसे मामले पे खुल के आम आदमी पार्टी को घेरने का प्रयास किया जाता है। जब वो घिर जाती है तो फिर कांग्रेस अपने आप को कहीं ना कहीं समेट के किनारे बैठ जाती है। तो ये जो रिश्ता है ये कार्टून के दो पात्र हैं टॉम एंड जेरी, बिल्कुल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिश्ता उसी तरह से दिखाई देता है। ठीक है, मैं लौटूंगी, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। ABP News आपको रखे आगे।